गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेरी गुड एंड ऑल्सो एंजॉइंग योर वीडियो, इंक्रीजिंग योर नॉलेज. सो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम हेयर विथ योर न्यू वीडियो. दिस इज़ योर चैप्टर 6 to 5. ओके, सो एवरी वन ओपन योर इंग्लिश रीडर बुक एंड चैप्टर 6 to 5. डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर 6, अ ब्यूटिफुल पोएम रिलेटेड टू आर स्टोरी एज अ past, present and future of the writer. So dear student, firstly know that and let's start what is 2-5 lesson. Bachcho, chapter 6-5 ek story hai. Yahan par poet ne apni story ko discuss kiya hai. Yahan par poet apne bachpan ki story ko discuss karte hain. Wo kya kehte hain, inko hum poem ke zariye samajhte hain. ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड दिस पोएम दैट रिकॉल्स द पोएट्स हैप्पी चाइल्डहुड. यहाँ पे पोएट्स ने अपने बचपन की स्टोरी को डिस्कस किया है और यहाँ पे क्या कहते हैं देखते हैं. सिक्स ऑफ वस वंस माई डार्लिंग टेट टुगेदर बीन एट ग्रीन बो विथ फेडेड लॉन एको मेट मैरी इन द गोल्डन समर वेदर पेयर्ड ईच अदर विद न्यू फॉल इन स्नो. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोएट कहते हैं कि बचपन का समय है, हम सभी 6 लोग साथ में हैं. 6 अस वंस इट मीन्स दैट यहाँ पे 6 लोगों की बात हुई है. 6 लोग साथ में हैं और वे क्या कर रहे हैं, प्ले टुगेदर. बच्चों, यहाँ पे पोएट्स ने अपने सिबलिंग्स के बारे में डिस्कस किया है. सिबलिंग्स मीन्स क्या होता है, ब्रदर एंड सिस्टर्स. वे सभी ब्रदर एंड सिस्टर एक साथ हैं और वे खेल रहे हैं. ये बचपन की चाइल्डहुड की स्टोरी है. कहते हैं बीन एट ग्रीन बो विच फेडेड लॉन अगो. यहाँ पे कहते हैं कि वो बड़े बड़े पेड़ के नीचे बैठकर खेल रहे हैं और जो काफ़ी समय से पेड़ स्थित हैं. जैसे जानते हैं ना, जब भी हम खेलते हैं हम तो बड़े हो जाते हैं लेकिन पेड़ तो हमेशा वहीं रहता है. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि हम सभी सारे सिबलिंग्स, यहाँ पे नंबर ऑफ सिबलिंग्स हैं, 6 सिबलिंग्स हैं, वे सभी पेड़ के नीचे बैठकर खेल रहे हैं जो कि काफ़ी समय से वहीं पर स्थित हैं. ओके, वो अपनी यादों को ताज़ा करते हैं और कहते हैं मीट मेमोरी इन द गोल्डन समर वेदर पेल्टेड ईच अदर विद न्यू फॉलिंग स्नो. काफ़ी समय बीत चुका है, गर्मी से ठंडी आ चुकी है, ठंडी से गर्मी आ चुकी है, लेकिन तब तक वो अपने गोल्डन टाइम को, इट मीन दैट सुनहरे पल को याद करते हैं. किस तरीके से उन्होंने सारे सिबलिंग्स साथ में मिलकर वे बचपन में खेलते थे, इंजॉय करते थे, वे सभी मूमेंट्स को याद करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, 2-5 इट मीन्स दैट यहाँ पे 2-5 इट मीन्स दैट 5 सिबलिंग्स एंड 1 पोएट. ओके, दे आर इंक्लूडिंग 6 ऑफ ऑल. बच्चों, आप इस पोएम को अच्छे से रीड करेंगे. दिस इज ब्यूटिफुल पोएम. देयर आर 4 लाइन. यू हैव टू राइट नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग इन योर नोट्स. सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपको इस पोएम को 4 लाइन को अपनी कॉपी में राइट करना है ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग के साथ. ओके, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका है वर्ड मीनिंग. बच्चों, आपको वर्ड मीनिंग जो है वो कॉपी में नीट हैंड राइटिंग के साथ करना है. तो चलिए हम देखते हैं. बो मीन्स क्या होता है, मेन ब्रांचेस ऑफ ट्री. ओके, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, पेड़ों के शाखाएँ. पेल्टेड, पेल्टेड मीन्स क्या होता है, थ्रू समथिंग एट. ओके, कुछ फेंकना को हम क्या कहते हैं, पेल्टेड. पील मीन्स क्या होता है, अ लाउड साउंड, तेज़ आवाज़ को हम कहते हैं पील. डोंट, डोंट मीन्स क्या होता है, डिस्करेज. डिस्करेज मीन्स क्या होता है, करेज मीन्स होता है साहसी और डिस्करेज मीन्स होता है असाहसी. ओके, जिसके अंदर हिम्मत ना हो. नेक्स्ट देखते हैं वोज. वोज मीन्स क्या होता है बेटा, ट्रबल. टेल कोट मीन्स क्या होता है, मेंस फॉर्मल. ओके, मॉर्निंग और इवनिंग कोट्स. काइंडलेस मीन्स क्या होता है, अवेकेंस. ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरीके सारे वर्ड मीनिंग को आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ नोट्स में राइट करना है और लर्न करना है और 4 लाइन पोएम
राइट करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका बुक वर्क है, बुक वर्क फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको इसको बुक में फिल करना है। चलिए इसको देखते हैं क्या पूछ रहा है। द पोएट वॉज वन ऑफ द सिक्स चिल्ड्रन इन द पोएम। पोएट को लेकर कितने लोग थे बच्चे? सिक्स थे, आपने देखा है ना। द ग्रीन बो हैव लॉन्ग सिंस फेडेड, इट मीन्स दैट लंबे समय से क्या हो गया है, ग्रीन बो जो हैं शाखाएँ हैं वो फेडेड हो गई हैं। फेडेड मीन्स क्या होता है, झड़ गए हैं और हल्के पड़ गए हैं। नेक्स्ट क्या है, द चिल्ड्रन यूज टू पेल्ट ईच अदर विद न्यू फॉलन स्नो। चिल्ड्रन जो है एक साथ समय बिताए हैं, ओके, उन्होंने फॉलन स्नो को भी साथ में देखा है। एंड नेक्स्ट क्या है, दे आर नाउ सीरियस एडल्ट्स एंड इवन बेबी बोर्ड्स। अब क्या है कि नेक्स्ट लाइन में आप राइम्स जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, चिल्ड्रन अब सीरियस हो गए हैं, अब वो बड़े हो गए हैं, किससे, बेबी से अब वो एडल्ट हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, स्टार आई चिल्ड्रन आस्क देम फॉर स्टोरीज ऑफ द ओल्ड टाइम होम। आगे के पोएम को जब हम कंटिन्यू करेंगे देखेंगे कि चिल्ड्रन जो हैं उनकी आंखें सोचती हैं कि काश वो फिर से उस स्टोरी में चले जाते और अपने ओल्ड टाइम को फिर से एंजॉय करते। ओके, नेक्स्ट क्या है, द पोएट डिस्क्राइब हर स्टोरी एज लिटिल एज चाइल्डलेस। यहाँ पे पोएट ने स्टोरी को किसके बारे में डिस्कस किया है, छोटे से बचपन के बारे में, चाइल्डिस मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया है। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिलेटेड टू पोएट लाइफ एंड दिस हिज चाइल्डहुड्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट, राइट 4-line पोएम इन योर इंग्लिश नोट्स एंड ऑल वर्ड मीनिंग, राइट नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, ओके, इन योर नोट्स एंड आफ्टर दैट फिल योर बुक विथ फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके क्लास, इन्जॉय योर वीडियो, टेक केयर।